कौन है? भूमि, हम लोगों को बाहर जाना है, दरवाजा खोलो। भूमि, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग बाहर वेट करते हैं। जरा रुको, याद नहीं है मुझे डॉक्टर के पास जाना है, और आपने तो उस दिन कहा था आपका कहीं भी जाने का प्रोग्राम नहीं है, तभी तो मैंने अपॉइंटमेंट लिया ना। ओह सॉरी भूमि, मैं तो इस बारे में भूल ही गई थी। कोई बात नहीं, हम लोग साथ चलते हैं, डॉक्टर के बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ऐसा मुमकिन नहीं है, मुझे उससे अकेले में मिलना है, ऐसा डॉक्टर ने कहा था। तुम अकेले जाकर मिलना, हम बाहर रिसेप्शन पर इंतजार करेंगे। ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्या है ना, डॉक्टर के यहाँ रिसेप्शन ही नहीं है। ये कैसा डॉक्टर है, अब तो उससे मिलना ही पड़ेगा। उसका नाम बताओ। नाम में क्या रखा है, हम तो उसको बस हमेशा से ही डॉक्टर या डॉक्टर साहब कहकर बुलाते हैं। भूमि, तुम झूठ बहुत बुरा बोलते हो, सच बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? वो एक दोस्त से मिलना है। अगर दोस्त से मिलना है तो छुपा क्यों रहे हो? दरअसल वो फ्रेंड एक लड़की है। लड़की? हाँ, वो हमारे ही कॉलेज में पढ़ती है, हम दोनों फोन पर अक्सर बातें करते हैं, आज सोचा मिलकर ही कुछ कर लें। तो क्या तुम्हें उससे प्यार है? वैसे वो मुझे अच्छी लगती है। सिर्फ अच्छी? दिखने में कैसी है? बहुत सुंदर है। अभी तक उसे देखा नहीं। देखा भी नहीं? लेकिन उसने मुझे देखा है, आज मैं उससे शादी की बात करूंगा। मतलब उससे मिलूंगा। अगर वो सुंदर नहीं हुई तो, अच्छी नहीं लगी तो? सुंदरता तो सिर्फ आंखों के लिए होती है, मन के लिए नहीं। सिर्फ चेहरा देखकर कोई किसी से प्यार थोड़ी ना करता है। सही कहा, तुम ये पहले बताना चाहिए था ना, अब टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। ओके, थैंक यू। अच्छा, मैं तैयार होकर आता हूँ। मैं भी तुम्हारी उस दोस्त को मिलना चाहती हूँ, साथ में चलूं? अरे नहीं 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 नहीं, अगर आप साथ चलेंगी तो वो बुरा मान जाएगी, वो तो ऐसे ही नाराज है कि मैं हमेशा आपके साथ रहता हूँ। वो मुझे नहीं देखेगी, मैं उसे दूर छिप कर बैठूंगी। आप सचमुच उसे देखना चाहती हो? हाँ भूमि, मैं उसे देखना चाहती हूँ, प्लीज मान जाओ। ओके, चलिए। देखिए आप यहीं पर रहिए, ठीक है, और मैं उससे वहां मिलूंगा, आप उसे यहां से देख पाएंगे। अरे टाइम कितना स्लो जा रहा है, अभी भी आधा घंटा बाकी है। आप मेरी एक हेल्प करोगी? हाँ कहो। मान लीजिए कि आप वो हो। अरे नहीं, मेरा मतलब सिर्फ मानना। अब जो मैं उससे कहना चाहता हूँ, आप मेरे साथ उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करवा देंगे प्लीज? करवाएंगे। ओके भूमि। हे, तुम आ गई, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, इतने दिनों तक तुम टालती रही पर आज आ गई। देखो, तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो या फिर मुझसे मजाक कर रही हो? लेकिन अब चाहे जो भी हो, तुम मुझे चाहो या ना चाहो, पर एक बात तो पक्की है, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं। आई रियली लव यू। सॉरी। ये थोड़ा फिल्मी तो नहीं लग रहा ना, ठीक है ना? यस, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। ओके, मुझे ऑल द बेस्ट विश नहीं करेंगे? ओके थैंक्स। प्यार अंधा होता है ना, अब तुम लव स्टोरी देखो। Thank you.
तुम मुझे देख सकती हो? मुझे तुम्हें नहीं देखना। तुम मीरा को साथ में लेकर क्यों आए हो? प्यार मुझसे करते हो और इजहार उससे करते हो। अरे अनामिका, तुम गलत समझ रही हो। तुम्हें लगता मैंने नहीं देखा क्या? ये चीट, तुम इतने दिनों तक मुझसे झूठ बोलते रहे। अनु, मीरा जी ने जब साथ आने की जिद की तो मैं मना नहीं कर सका, इसलिए। नहीं अनु, मेरा यकीन करो। एक तरफ तो तुम यहाँ मीरा को अपने साथ लेकर आए हो और मुझे यकीन करने को कह रहे हो। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, तुम्हारे साथ नहीं रहना। अगर तुमने दोबारा धोखा दिया तो फिर क्या करूँगी मैं? अनु, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। मैं गलत तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? नहीं, कोई सवाल मत करो। अब मैं तुम्हें कभी फोन नहीं करूँगी। तो मेरे कॉल का इंतजार मत करना। अनु, गुड बाय। हेलो, नाराज हो गई क्योंकि उसने आपको देख लिया। तो फिर क्या, कहा फोन नहीं करेगी और फोन काट दिया। ओहो, मुझसे गलती हो गई, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हालांकि उसने मना किया है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ वो डेफिनेटली मुझे फोन करेगी। चलिए। तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो तुम्हें कॉल करेगी? अगर वो मुझसे सच्चा प्यार करती है तो वो फोन जरूर करेगी। होमी, ये सब क्या है? एग्जाम में बस एक हफ्ता रह गया है, तुम पढ़ाई की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? मैं पढ़ाई क्यों करूं? वैसे भी मुझे एग्जाम थोड़ी देना है। मैं यहाँ आया था बॉडीगार्ड बनकर, पढ़ाई करने और एग्जाम देने के लिए नहीं। लेकिन आप दोनों को जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि मैंने मालिक को प्रॉमिस किया है। अगर तुम एग्जाम नहीं दोगे तो हम भी नहीं देंगे। अरे आप लोग एग्जाम क्यों नहीं देंगे? तुम्हारी वजह से। अगर तुम नहीं दे रहे हो तो हम भी नहीं दे रहे। नहीं नहीं, आपको एग्जाम देना चाहिए। ठीक है, मैं पढ़ाई करूंगा। तो अपना फोन अभी साइड में रखो और पढ़ाई करो। अभी अभी तो ये मजाक खत्म हुआ है, इसे वापस शुरू करने की गलती मत कर। तुम उसकी हालत नहीं देख रही क्या? अगर मैंने उसे फोन नहीं किया तो वो कभी एग्जाम में नहीं बैठेगा। सिर्फ एक बार फोन करने दो मुझे, मैं बस उसे एग्जाम देने के लिए मनाऊंगी, उसके बाद कभी फोन नहीं करूंगी। सच बोल रही हूँ। ए, इतने दिन फोन क्यों नहीं किया? मुझे लगा तुम फोन नहीं करोगी। क्या तुम मुझसे नाराज हो? बिल्कुल नहीं। तुम्हारा एग्जाम है ना, इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। पढ़ाई तो ठीक चल रही है ना? बिल्कुल नहीं, मेरा एग्जाम देने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए मीरा जी भी बहुत नाराज थी। एग्जाम नहीं दे रही हो क्यों? एक बात सुन लो, अगर तुमने एग्जाम नहीं दिया तो मैं तुम्हें कभी फोन नहीं करूंगी। अगर तुमने मुझे फोन नहीं किया तो मैं भी एग्जाम नहीं दूंगा। तुम्हें फोन किया ना मैंने, अब ठीक से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर से पास हो और मैं तुमसे मिलूंगी। इस बार मुझसे मिलोगी ना? नहीं, जरूर मिलूंगी।
तुम चाहे कितने भी बहाने बना लो, मैं तुमसे मिलकर ही रहूंगा। यस। उसका फोन आया था। सच में? क्या? मैंने कहा था ना वो फोन करेगी। सच्चा प्यार करती है, प्यार की कसम। अगर एग्जाम ठीक से दिए तो उसने मिलने का वादा किया है। फोन आ गया बॉस, इस बार फोन नंबर और फोटो मांगना मत भूलना। हाँ। हे, हाय। हाँ, बोलो। तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? एग्जाम तो मैंने ठीक से दे दिया, पर तुमने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। इतना सन्नाटा क्यों है? मिलोगी ना? नहीं, नहीं आ पाऊंगी। मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकती। क्यों? ऐसी क्या बात है कि तुम मेरे सामने आना नहीं चाहती? बहुत सारी रुकावटें। देखो, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें मुझे मिलना ही होगा। अगर मैं आ गई तो वापस नहीं जा पाऊंगी, मुझे अपने साथ ले जाना होगा। कोई नया मजाक है क्या? मैं तुमसे सच कह रही हूँ, मुझे साथ ले चलोगे क्या? तुम आओगी तो मैं तुम्हें जरूर ले जाऊंगा। जरा सोच कर बोलो, मेरे पापा कोई आम आदमी नहीं है। देखो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, तुमसे प्यार करता और शादी करना चाहता। बिना जाने मुझे? चाहे तुम गोरी हो चाहे काली हो, अगर तुम चाहोगी तो हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। तो कल सुबह तुम रेलवे स्टेशन पर पहुंचना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। ओनो, भूल गया, दरअसल कल सुबह मुझे मीरा जी को उनके घर छोड़ने जाना होगा। अगर तुम मीरा को छोड़ने गए तो मैं तुम्हें नहीं मिल पाऊंगी। क्यों? तुम क्यों नहीं मिलोगी? मेरे घर वाले तब तक मुझे अपने घर ले जाएंगे। तो फिर मैं मीरा जी से पूछ लेता हूँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या रास्ते में मैं अपने माता पिता को ये बात बता सकता हूँ? उन्हें मत बताना, ये तो मेरे लोगों को पता चल जाएगा। मैं सुबह यहाँ से निकलने से पहले तुम्हें फोन करूँगी। ओके, गुड नाइट।